नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं राजमोहन तिवारी आपको लेकर आया हूं पटना के गांधी मैदान में, जहां पर आज विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। रथ जो है वो चल चुका है वहां से और ये बहुत जल्द गांधी मैदान पहुंचेगा। अशोक वाटिका है जहाँ पर सीता जी बैठी हुई हैं। बहुत जल्द यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा सीएम नीतीश कुमार जी के आने के बाद, अभी वो नहीं पहुँचे हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है इस गांधी मैदान में। हर साल की भांति इस साल भी रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें प्रत्येक सालों की भांति इस बार भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है। आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर स्टेज बना हुआ है जहाँ पर सीएम नीतीश कुमार आएंगे तो वो यहाँ पर बैठेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसके साथ आप देख चुके हैं यहाँ पे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं और बहुत जल्द ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। और ये काफी महत्व होता है जब दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जब हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और लगभग 64 जोरदार तालियां ये बजे और जहां जहां ये गुब्बारे उड़ते हुए जाएंगे अपनी ओर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है, वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, देखिए। और ये काफी दर्शक जो आज हजारों हजार की संख्या में है आरती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंच तक पहुंचे हैं जहाँ पर राम और लक्ष्मण साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मदन मोहन झा जी भी उपस्थित हैं। आरती के समय अतिथि एवं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राम और लक्ष्मण को माला पहनाते हुए और कहते हैं कि दर्शक अपनी जगह पर आरती करते हुए राम और लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान जी अपनी परिक्रमा को पूरा आप देख सकते हैं। वो अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं सीता जी के पास में। यहाँ पर अशोक वाटिका का झलक दिखलाया जा रहा है जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और उन्हें राम जी के सूचना को पहुंचाते हैं और उसके बाद वहां के मौजूद जो भी पेड़ पौधे हैं उसको काफी वो तोड़ते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को बर्बाद करते हैं अशोक वाटिका के। आपने रामायण में देखा होगा वही कार्यक्रम और सेम वही झलक यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीता जी से मिल चुके हैं, अब वो बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ। देख लीजिए, देखिए वो बढ़ते हुए आगे लंका की तरफ। लंका का भी एक झलक दिखलाया गया है यहाँ पर।
और हाथ और नजदीक चलना बेटा। देख लीजिए और ये लंका दहन शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज पे लंका दहन का कार्यक्रम इसके साथ ही आरंभ होता है, आप देखिए। चल 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 निकलो 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 निकलो। लंका पे चढ़ाई करने के लिए यहाँ पे राम जी आ चुके हैं लंका में प्रवेश, और देखिए वो धनुष को लेकर तैयार हो चुके हैं रावण दहन के लिए। आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में दिखाएंगे कि राम जी जो हैं वो तो तैयारी में हैं पूरी तरह से रावण दहन के लिए, और इसके साथ ही उन्होंने पहला धनुष चलाया है। आप देखेंगे राम जी हनुमान जी को कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप देख लीजिए वहाँ पर हनुमान जी पहुँचे हैं कुंभकर्ण के पास में और वो उनके ऊपर प्रहार करके आए हुए हैं अभी, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसमें जो दहन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर। कुंभकर्ण में जो है वो आग लगा दी गई है वो हनुमान जी के द्वारा, आप देखिए। और रावण दहन का जो ये प्रोसेस है वो लंका के बाद अब कुंभकर्ण तक पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, देखिए कि किस तरह से कुंभकर्ण की का दहन होता है यहाँ पे द्वारा। यहाँ पर कुंभकर्ण की वध हो चुका है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिहारी न्यूज आप तक पूरी खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जो भी यहाँ पे कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है बिहारी न्यूज के द्वारा, और कुंभकर्ण का दहन होते हुए, और इसके बाद जो काफिला है वो मेघनाथ की तरफ बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि मेघनाथ में भी आग लगा दिया गया है, उसमें भी आग लगा दिया गया है मेघनाथ में भी, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मेघनाथ का भी दहन हो जाएगा। इस बुराई की पर अच्छाई की जीत कैसे होती है इस दहन के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिंदगी में कभी बुराई जो है वो हमेशा नक के लिए नहीं रहती है, उसके ऊपर अच्छाई की जीत होती ही है, और इस दहन के द्वारा आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका मेघनाथ का भी दहन हो गया है, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज के बारे में मेघनाथ का भी दहन हो चुका है। इसके बाद रावण की बारी आएगी, उसके तरफ भी प्रस्थान करेगा रथ। बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाते हुए एक प्रतीक है दशहरा, बुराई पे अच्छाई की जीत की। आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन जो है वो हो चुका है। इसके बाद अब रावण की बारी आएगी और उसके तरफ रथ जो है वो प्रस्थान कर चुका है। आप राम और सीता के रूप में जो मौजूद है वो देख रहे हैं कि आप रावण के दहन के लिए जा रहे हैं, और उधर की जो
रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर धनु छोड़ दिया गया है और रावण दहन का जो भी कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। नीचे वहाँ पर आग लगा दी गई है। काफी भयानक, काफी ज्यादा बड़े मात्रा में यहाँ पर बड़ी मूर्ति थी, इस वजह से इस तरह के आप देख रहे होंगे कि काफी बड़ा धुआं उठा है। रावण दहन का कार्यक्रम इसके साथ ही समापन होता है। आप देख रहे हैं गांधी मैदान से लाइव कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गांधी मैदान में आए हुए हैं। काफी बड़ी मात्रा है। हर साल की बात, इस साल भी जो रावण दहन कार्यक्रम हुआ उसमें संख्या जो आप देखेंगे, यहाँ पर केवल पटना के ही लोग नहीं आते हैं बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ से, उस वहाँ के शहरों से भी लोग आते हैं, जिलों से भी बाहर के दूसरे जिलों से लोग आते हैं। ये संख्या जो है वो केवल पटना की नहीं है। हमारे जो कैमरामैन वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो संख्या, भीड़ देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं। एक आतिशबाजी का सुनहरा दृश्य दिखाया जा रहा है, आप देख कर इसका आनंद ले सकते हैं। भीड़ अभी यहाँ से गई नहीं है रावण दहन के बाद भी, वो भी इस आतिशबाजी का आनंद ले रही है, देख रही है। आप सभी अपनी जगह पर अपने बच्चों को देख लें, बाप में बाप है या नहीं, वरना बच्चे तो हमें मिल जाते हैं लेकिन उनके मम्मी पापा खो जाते हैं। Thank you.